नमस्कार, आप देख रहे स्वागत जिंदगी न्यूज में आरती बघेल। आज फिर निम्च में एक नया मामला सामने आया है, जिसके चलते अब जिले में संख्या 51 हो गई है। इससे पहले कुल मामले 50 थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग ठीक होकर घर को भी जा चुके हैं, जो कि एक अच्छा संकेत निम्च के लिए है। पर कोरोना मामले बढ़ना भी चिंताएं बढ़ा ही रहे हैं। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर जगदीश प्रजापति के अनुसार आज जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि आज सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। आज 50 की रिपोर्ट प्राप्त कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि आज नीमच जिले से संबंधित 50 कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 2 के सैंपल, 1 रिपोर्ट रिजेक्ट हुए, 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, वह कंटेनमेंट क्षेत्र घंटाघर से है। समस्त जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि आज हमारे 50 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 2 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं और 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। जो सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, ये घंटाघर कंटेनमेंट क्षेत्र का ही है। ये ऑलरेडी क्वारंटाइन में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रेस्ट सैंपल्स की रिपोर्ट हमारी कल आएगी। इसके अतिरिक्त अभी जो हम लोग एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने लगभग 90,000 लोगों को कवर कर लिया है, और आगामी दिनों में हम जो बची हुई जनसंख्या है नगरीय क्षेत्रों की, उसको कम्प्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।